जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या आप सभी लोग अपने लोकप्रिय चैनल ग्रो टू सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसे की कमी हो चुकी है। लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं परंतु आपको इतना धन नहीं मिल पाता है कि आपकी जरूरत पूरी हो सके। दोस्तों यह वीडियो धन प्राप्ति के उपाय के लिए, दोस्तों इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है वह खास और शक्तिशाली होती है। तो आपको बता दें, इसी प्रकार एक मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ बनाती है। दोस्तों हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग ही दिव्य शक्ति और तांत्रिक शक्तियां छिपी होती है जिससे आप अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं। अपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हिंदू पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये सारी मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज़्यादा उत्तम और शुभ माना जाता है। दोस्तों जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है, चाहे वह मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दोस्तों उसको आप लोग पूरा करवा सकते हैं सही तरीके से यदि आप इस्तेमाल करेंगे मधुमक्खी के छत्ते का। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी का छत्ते का जो उपाय है वह करके आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं और शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं, गरीबी और दरिद्रता से छुट्टी भी पा सकते हैं। तो उसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई वह तांत्रिक प्रयोग कभी खाली नहीं जाते हैं। जिनको सही तरह से किया जाता है, निश्चित ही कितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो, कितना भी बड़ा आपकी दिक्कत हो, सभी का निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानकारी और चमत्कारिक गुणों का पता चलने जा रहा है दोस्तों, जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी फ्री में मिल जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी। इसलिए आपसे सबसे पहले हमारा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का और श्री राम का आशीर्वाद आप पर बन सकेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप हमेशा देख पाए और हिंदू पुराणों से जुड़ी जानकारियाँ आपके सामने यहाँ पर इस चैनल के द्वारा हम ला पाएँ। दोस्तों अगर आप भी हिंदू पुराणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये हिंदू देवी देवताओं का चैनल है और हिंदू देवी देवताओं का यदि आप मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलने लगे। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास होता है, माँ जगदम्बा का वास होता है। दोस्तों मान्यता है कि माता दुर्गा हफ्ते के 4 दिन मधुमक्खी के छत्ते में वास करती है। दोस्तों जो मधुमक्खी होती है वह बड़ी ही परिश्रम और मेहनत से इस प्रक्रिया से शहद बनाती है। मधुमक्खियों की जो मेहनत लगती है या जान लीजिए दोस्तों यह बात आप कि ये दिव्य शक्तियों का वास होता है। जहाँ पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ रहती है, जैसे कि पेड़ पर बनाएगी, खाली कमरे में लगाएगी, जहाँ पर भूत पिशाच भी होते हैं वो भी एक दिव्य शक्तियाँ होती है, वहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती है। आपने कहीं एक बार देखा होगा दोस्तों कि खाली कमरे या खाली जगह पर या खाली जगहों पर जो बिल्कुल सुनसान होते हैं वहीं पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती है। इसका एक कारण यह है कि दिव्य शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जो बहुत ही ताकतवर होती है वहाँ पर मधुमक्खी अपना छत्ता जरूर बनाती है। दोस्तों जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है उसी प्रकार से दिव्य शक्तियाँ जहाँ होती है वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता पाया जाता है, आप ये बात जान लीजिए। तो आपको कहीं भी यदि मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो आप ये सोचिए दोस्तों कि वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ रह रही है। तो हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार उसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आपके घर में मधुमक्खियाँ लगातार आती जाती रहती है, आपके घर की छत में या कमरे में छत्ता बना लिया है, तो जान लीजिए दोस्तों कि आपके कमरे में या घर में काला जादू हो रखा है, नकारात्मक ताकतें और दिव्य शक्तियाँ आपके घर में आ चुकी है, अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। दोस्तों मधुमक्खी छत्ता इसलिए बनाती है ताकि आपको कष्ट निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का आप लोग इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत इन सबको भगा सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते का आपको बस यही इस्तेमाल समझना होगा जिसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले आप जान लेते हैं कि तांत्रिक तरीके से मधुमक्खी छत्ते में सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता, आपका काम नहीं चल रहा, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार ठप पड़ गया है, आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो आप दोस्तों आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है, भूत प्रेत आपके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मोम होता है वह आपको यदि प्राप्त हो जाए तो दोस्तों 11 दिन तक इसके अपने कमरे में इस तरीके से जलाते हैं कि दीपक के ऊपर रखकर रुई भी लगा सकते हैं।
दोस्तों आपको यदि दीपक के ऊपर यह छत्ता जलाना है, 11 दिन के जलाने के सही प्रयोग आप कर लेते हैं इसको, तो आपके ऊपर कितनी भी बड़ा काला जादू हो, कितनी भी बड़ी तांत्रिक शक्ति हो, भूत प्रेत का वास हो, आपके जो कुछ भी नकारात्मक शक्ति हो वह हमेशा के लिए पीछे हट जाएगी। तो आपके ऊपर जो काला जादू हो रखा है वह आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कभी भी भूत आपके पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको यह करना होगा दोस्तों। दूसरा उपाय जो है मैं आपको बता देते हैं, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह अलग अलग तरीके के प्रयोग बताते हैं, लेकिन हिंदू पुराणों और धर्मशास्त्रों और किताबों में मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता होता है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको मोम प्राप्त करना होगा और आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम प्राप्त हुआ उसको इस प्रकार के आकार में लगाना है कि वह पत्ता मोम के बीच में फंस जाए। सिर्फ आपको इतना करना है दोस्तों, 11 दिन तक आपको ये करना है। किसी भी नदी में जो आपको आपने जो मोम में पीपल का पत्ता लगा रखा था उसे नदी में प्रवाहित करना है। 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त हुई पीपल में जो आप लगाए थे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, केवल उसे नदी में प्रवाहित करके आना है और आपको तालाब में नहीं प्रवाहित करना, यानी आपको केवल बहते जल में प्रवाहित करना है। जब आप उसको नदी में प्रवाहित करके आएंगे तो उसी समय आपकी आंखों को बंद करके आपको अपनी इच्छा बोल देनी है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। दोस्तों आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। आप उसी समय जो नदी है उसमें जिसमें आपने मोम और पत्ता विसर्जित किया है तो आपकी जो जितनी भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। माँ लक्ष्मी और भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। आपकी जो भी कामना है वह 5 से 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग, उसके मोम का प्रयोग कई तरीके से आप अपने जीवन में धन के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है अगर आपके जीवन में धन की समस्या बनी हुई है, आप धन कमाना चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी विफल हो रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसके लिए एक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वो जब निकल जाता है उसमें पीला भाग बसता है जिसको मोम कहा जाता है, उसको आपको अपने घर पे ले आना है और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति के सामने एक दिया जलाना है और उसके पास आपको वही मोम भी वहीं रखना है दिए के पास। उसमें आप उसको आपको दिए के पास रखकर जो कालिक उत्पन्न होगी उस कालिक में आपको मोम को लपेट लेना है। और दोस्तों जैसे ही मोम के ऊपर आप दिए की जो कालिक उसको लगाएंगे उसके बाद उस मोम को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप ध्यान रख सकें, जैसे आपकी तिजोरी या फिर आपकी ऐसी अलमारी जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, आपका धन रखते हैं, तो वहाँ पर आपको रखना है। विश्वास मानिए दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही थी वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में धन की जो समस्या थी वह कभी वापस नहीं आएगी। आपका यदि कोई बिजनेस है या आप सरकारी नौकरी करते हैं पाना चाहते हैं तो ये सारा आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। बिजनेस से है तो बिजनेस चलेगा, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी भी लग सकती है या फिर प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन आपको मिल सकता है। दोस्तों काफ़ी लोग इन सब बातों को मजाक बनाते हैं लेकिन जिसने भी यह अपनाया, जिसने भी इससे उपाय को किया उस वो धनवान हो गया। तो दोस्तों आपको भी यदि परमात्मा पर विश्वास है, यदि आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो इन सारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको जो उपाय बताए गए हैं इनको जरूर आजमाएं। दोस्तों आप लोगों को पैसा कमाने के लिए 1000 रुपये खर्च किए होंगे लेकिन जो मैं आपको जानकारी दी है उसमें एक भी पैसा हम नहीं ले रहे हैं। आपको ये नॉलेज पूरी की पूरी फ्री में दे रहे हैं। इसमें केवल आपको इन उपायों को करके देखना है। मैं इस पर विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि जो उपाय बताए गए इनको यदि सच्ची श्रद्धा से आपने किया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी और जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि माता लक्ष्मी और श्री राम का आशीर्वाद और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे और धन की वर्षा आप पर होती रहे। दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।